यहाँ गया सुर नामक एक राक्षस है, समझ गए? जिस दिन ऐसा नहीं होगा उस दिन मैं गया को पलट दूंगा। इस नदी का नाम है फाल्गु नदी। इसने झूठ बोला, इन्हें सीता माता श्राप दी कि आप गुप्त गंगा हो जाओगे। जब बरसात का महीना आएगा तो 4 महीना जल रहेगा, 8 महीना आप सूखी रहोगे। इसी वजह से अभी देखने को ये नदी सूखी मिलती है। देखो भाई लोग, हाँ तो नमस्कार भाई लोग, का हाल बा? तो भाई लोग अभी मैं हूँ पंचानपुर और मैं यहाँ से जाऊँगा गया। गया में विष्णुपद मंदिर के बाद फिर मैं निकल जाऊँगा बोधगया की तरफ। और आज भाई मैं करूँगा हिच हाइकिंग, तो देखते हैं। अभी आगे जाके लिफ्ट मांगना शुरू करूँगा। डेल्ला हा। डेल्ला हा। रिएक्शन ही नहीं दे भाई, देखा भी नहीं, मोबाइल चला रहा था, देखा ही नहीं भाई जी ने। ऑटो वगैरह आ रही है, ऑटो बस तो लगातार आ रही है। एक आ रही है ट्रक आ रही है भाई। तो भाई लोग आज की पहली लिफ्ट मिल गई है और ये लिफ्ट दे रहे हैं, क्या नाम है आपका भैया? सुजीत कुमार भैया दे रहे हैं और ये मेरे को छोड़ देंगे डेल्हा तक। तो चलते हैं भाई। जाना है विष्णुपद, तो यहाँ से जी भैया अब फोन तक छोड़ रहे हैं। तो भाई भैया मेरे को अभी भैया को जाना सही साइड शायद, तो भैया अभी मेरे को आगे तक छोड़ देंगे जहाँ से मैं लिफ्ट ले पाऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, यहाँ से आगे पास में है क्या? पहले बहुत बहुत धन्यवाद भैया। तो भाई लोग, भैया ने जहाँ रोका था उससे 2.5 किलोमीटर होगा और पैदल आने में 10 मिनट लगा होगा और हम पहुँच गए हैं विष्णुपद मंदिर। ये देखो, ये रहा प्रवेश द्वार। तो अभी जाते हैं अंदर और इनसे जुड़ी जो मान्यताएं होगी, इतिहास होगा, वो मैं आपको बताऊंगा आगे। तो भाई ये रहा विष्णुपद मंदिर और अभी जा रहे हैं अंदर, पता नहीं आगे कैमरा अलाउ है या नहीं है। तो भाई विष्णुपद परिसर में मोबाइल और कैमरा से फोटो लेना सख्त मना है। भाई लोग अभी मेरे साथ पंडा जी हैं और ये जो विष्णुपद मंदिर है इनके बारे में जो मान्यता है वो आपसे शेयर करेंगे जी। यहाँ गयासुर नामक एक राक्षस है, समझ गए जी? तो गयासुर नामक जो राक्षस है तो उसका ये वरदान था कि हजारों हजार वर्ष उसने तप किया। ब्रह्मा जी जब प्रसन्न हो गए उसके ऊपर तो ब्रह्मा जी बोले कि गयासुर अब तुम हमसे वर मांगो, कैष्टी प्रभु दया कर वर आप यही दीजिए हमको कि ये अधर्मी शरीर हमारा आप लोग का कृपा से इतना पवित्र हो गया है।
सो हमें आप वर दीजिए कि जो हमारे पास में आए पशु पक्षी कीट पतंग मनुष्य सब मोक्ष गति के प्राप्ति हो। ब्रह्मा जी बोले ऐसा ही हो गए ब्रह्मस्तु, कह करके ब्रह्मा जी और चले गए। ब्रह्मा जी विष्णु भगवान आए तो विष्णु भगवान पूछे कि ब्रह्मा जी आपने ये गयासुर को क्या वरदान दिया, तो ब्रह्मा जी बोले कि हमने तो गयासुर हमारे को प्रसन्न किया, हमने उसको वर दिया और गयासुर का ये है कि ये हमारा शरीर अति पवित्र हो जाए। वही यहाँ गया जी में गया यज्ञ के निवृत्त गया श्राद्ध किया गया, तो वही धर्मशिला है रखा हुआ विष्णु भगवान के सीने के ऊपर में, गयासुर के सीने के ऊपर में। हाँ, एक राक्षसशिला। हाँ, तो वो धर्मशिला है, वो धर्मराज के यहाँ रखा हुआ था वो। अच्छा अच्छा। हाँ, वही धर्मराज के यहाँ से ला करके रख दिया गया था, मगर उस शिला का भी इतना बड़ा महत्व है कि वो शिला मरीचि ऋषि की पत्नी थी। मरीचि ऋषि नाम के ब्रह्मा जी के पुत्र थे मरीचि ऋषि, और मरीचि ऋषि की पत्नी थी वो। मरीचि ऋषि कहीं से घूर करके चले आ रहे थे, घर में अपने पत्नी को न देख करके उन्होंने अभी श्राप दे दिया कि जाओ तुम शिला हो जाओ, तो पत्थर हो गई, पत्थर हो करके वो तप करने लग गई। तो ब्रह्मा जी फिर प्रसन्न हुए, बोले कि पुत्री तुम हमसे वर मांगो। बोले कि पिताजी आप हमारे पति का अभी श्राप से मुझे मुक्त करवाइए, कहीं कि हम ये पति के श्राप से तो मुक्त नहीं करवाएंगे, कुछ और हमसे तुम वर मांग लो। तो वर मांग लो, तो बोले कि ठीक है जब आप वर ऐसा ही देना चाहते हैं आप हमको, तो शिलाओं में मैं अति पवित्र शिला गिना जाऊं और मेरे ऊपर सारा देवता विराजमान हूँ। ब्रह्मा जी बोले एवं मस्तो पुत्री ऐसा ही होगा। उसी समय गया सूर्य राक्षस जो था बहुत उत्पात मचा रहा था, तो इसका उत्पात को शांत करने के लिए गयासुर के ऊपर में उस पत्थर को रख दिया गया, उसके ऊपर से सारे देवता लोग अपने अपने शक्ति से विराजमान हो गए उस पे। जी, उस पे विराजमान हो गए शक्ति से अपने अपने, और गयासुर को बोले कि गयासुर अब तुम वर मांगो। बोला कि प्रभु विष्णु भगवान का चरण सदैव हमारा सीने के ऊपर में रहना चाहिए, और गया जी में 33 करोड़ देवता हमारे धर्मशिला के ऊपर विराजमान रहे तभी मेरी मोक्ष होगी, और गया में आप वर देना चाहते हैं तो एक मुंड और एक पिंड प्रतिदिन मेरे निवृत्त होना चाहिए, जिस दिन ऐसा नहीं होगा उस दिन मैं गया को पलट दूंगा। यहाँ का गयासुर का यही महत्व है। तो भाई लोग, अगर किसी दिन अगर मुंड और पिंड नहीं होता है तो पुतला जलाया जाता है। हाँ, यहाँ पुतला जलाया जाता है, हम लोग जो है यहाँ पे पुतला जलाते हैं, उसी प्रकार से उनका जैसा मान्यता है उसी प्रकार से उनका काम किया जाता है। और यहाँ पर विष्णु जी का पैर का चरण चिन्ह का निशान है। जी, यहाँ पर विष्णु भगवान का चरण चिन्ह का निशान है, और यहाँ पितरों का पिंडदान करने से उनका मोक्ष गति का प्राप्ति होता है। हाँ, तो भाई लोग, अंदर कैमरा वर्जित था तो मैं वो आपको दिखा नहीं पाऊंगा, उनका पद चिन्ह और वो जो शिला है वो नहीं दिखा पाऊंगा, तो अभी मैं यहीं पर बंद करता हूँ और आगे के लिए निकलूँगा। तो भाई अभी मैं जा रहा हूँ आगे सीता घाट, सीता कुंड, सीता घाट है पता नहीं। और यहाँ देखो भाई, पूरे भारत से लोग यहाँ पर अपना पिंडदान कराने आते हैं, ये देख रहे हो आप। और ये जो मैं चल रहा हूँ ये फल्गु नदी है। तो भाई लोग, अभी मैं पहुँच गया हूँ सीता कुंड, और देखिए ये रहा सीता कुंड द्वार। मैं था वहाँ उस घाट पे, उस घाट से फिर इस घाट पर आया हूँ, और आगे देखते हैं कोई पंडित जी होंगे तो इस घाट से जो जुड़ी जानकारियां होंगी मैं आपको बताऊंगा। लोग, मैं अभी हूँ सीता कुंड में, और मेरे साथ है सुमित कुमार पांडे जी, और ये जो यहाँ से जुड़ी जो मान्यता है वो आपको बताएंगे। जी, इस स्थान का नाम पड़ा है सीता कुंड, यहाँ पे राम लक्ष्मण सीता जी पंचवटी नासिक से गया जी में पिंडदान करने के लिए आए थे। जी, इस नदी का नाम है फाल्गु नदी। जी, इस नदी में माता सीता को रामचंद्र जी लक्ष्मण जी बैठा करके नदी उस पार में पिंडदान का सामग्री लाने चले गए। इसी बीच में आकाशवाणी हुआ कि सीता जी आप मुझे पिंडदान करो, तब सीता जी बोले कि आप कौन है, मैं आपको नहीं जानता हूँ,
तब दशरथ जी आकाशवाणी की बोले कि मैं राम का पिता दशरथ हूँ, बहू तुम मुझे पिंडदान दे करके स्वर्ग की प्राप्ति करो। तब सीता माता बोले कि ससुर जी मैं आपका बहू हूँ, मैं आपको पिंडदान नहीं कर सकता हूँ। तब दशरथ जी बोले कि बहू मुझे पुत्र के हाथ से मुक्ति नहीं होगा, क्योंकि मुझे श्रवण कुमार के माता पिता ने मुझे श्राप दिया था कि आपको पुत्र से मुक्ति नहीं होगा। जी। तब दशरथ जी का हाथ निकला और सीता जी ने रेत का तीन पिंड किया था तो पांच को साक्षी रखा था, गौ को, ब्राह्मण को, तुलसी को, फाल्गु नदी और भटका वृक्ष को। चार लोग झूठ बोल दिए। इस नदी का नाम है फाल्गु नदी, इसने झूठ बोला, इन्हें सीता माता श्राप दी कि आप गुप्त गंगा हो जाओगे। जब बरसात का महीना आएगा तो चार महीना जल रहेगा, आठ महीना आप सूखी रहोगे, इसी वजह से अभी देखने को ये नदी सूखी मिलती है। देखो भाई लोग। हाँ। दूसरा गौ माता का बारी आया, क्या गौ माता आपने देखा? तो उन्होंने भी झूठ बोल दिया कि मैंने सीता जी को पिंडदान करते हुए नहीं देखा। गौ माता को श्राप दी कि आपका मुख पवित्र हो जाएगा, आपको जो भी गौदान करेगा वो आपका पूछ पकड़कर गौदान करेगा। तीसरा तुलसी माता का बारी आया, वो भी झूठ बोल दिए कि मैंने सीता जी को पिंडदान करते हुए नहीं देखा। उन्हें सीता माता श्राप दी कि आपका जन्म गंदे स्थान पे होगा, उधर में आप हरा भरा रहोगे। चौथा गया वाले पंडा जी का बारी आया, क्या पंडा जी महाराज आपने देखा? तो वो भी झूठ बोल दिए कि मैंने सीता जी को पिंडदान करते हुए नहीं देखा। उन्हें सीता माता श्राप दी कि कलयुग में आपके पास में यात्री आएंगे, लाख रुपया देंगे, मन में संतोष नहीं होगा। पंचमा बट वृक्ष का बारी आया, वो सोचा कि चार ने तो झूठ बोल दिया, अगर मैं भी झूठ बोल दूंगा तो गया जी का कोई महत्व नहीं रह जाएगा, गया जी में कोई पिंडदान करने के लिए नहीं आएंगे। ये सोच करके बटवृक्ष सत्य बोले, उन्हें सीता जी वरदान दी कि जब तक सूर्य चंद्रमा रहेगा तब तक आप हरा भरा रहोगे। यहाँ पे जो प्रेत आत्मा का हाथ निकला था वो अभी देखने का, ये आपको दिखाते हैं दशरथ जी का हाथ। अच्छा, अभी यहाँ पहुँच गए भाई, यहाँ दिखाएंगे जी। ये आप देख सकते हैं, यही दशरथ जी का हाथ है, ये एक पिंड हाथ में और ये दो पिंड इधर नीचे में रखा है, ये माता सीता बैठी है। यही दशरथ जी का हाथ निकला था और सीता जी ने रेत का पिंड किया था, जो मैंने आपको स्टोरी बताया चार ने झूठ बोला था, वो यही हाथ में सीता जी ने रेत का पिंड दान किया था तो पांच को साक्षी रखा था जी। इसी स्थान का नाम पड़ा है सीता कुंड। ये सीता कुंड है जी, कुंड कोई स्नान करने का स्थान नहीं, ये सीता कुंड है। लोग ये था सीता कुंड और अभी ये मेरे को लेकर चलेंगे राम में सीता राम कुंड देखने। आ जाइए, हम लोग चलते हैं जी। तो ये रहा सीता राम कुंड का प्रवेश द्वार जी। जी ये सीता राम, ये सीता जी राम जी है, यहीं पे पति पत्नी मिलके दशरथ जी के नाम से आटे का पिंडदान किए थे। ऊपर नीचे में आपने सीता कुंड देखा, उधर में सीता जी रेत का पिंडदान किए थे, सीता राम कुंड। जब चार लोग झूठ बोल दिए थे तो रामचंद्र जी को मन में विश्वास नहीं हुआ था, तब जो पिंडदान का सामग्री लाए थे तब इस जगह पे पति पत्नी राम सीता मिलके दशरथ जी के नाम से आटे का पिंडदान किए थे। और वहाँ जो पद है वो ब्रह्मा जी का चरण चिन्ह है। अच्छा, ये देख सकते हैं, जब यहाँ पे सीता जी राम जी पिंडदान किए थे ना तो ये ब्रह्मा जी यहाँ पे साक्षी थे। अच्छा, ब्रह्मा जी साक्षी थे। धन्यवाद। तो भाई लोग, ये था विष्णुपद मंदिर और सीता कुंड, और अभी मैं जा रहा हूँ हाईवे पर, वो सामने रहा हाईवे, और वहाँ से जाके फिर मैं बोध गया के लिए हिच हाइकिंग करूँगा।